हाय एवरीवन, मैं हूं तोहिद और मैं हूं शायो। वेलकम टू आवर न्यू चैनल द क्रिएटिव फिटनेस। बहुत बहुत शुक्रिया गाइस, आप लोगों ने जिस तरह से अपना प्यार और सपोर्ट किया हमें, आगे भी यकीनन इसी तरह से हमारी हौसला अफजाई करते रहें ताकि आप लोगों के लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो ला सकें। जैसा कि आप लोगों को पता है, मसल मास गेनिंग प्रोग्राम MMG फर्स्ट स्केड्यूल चेस्ट है, तो आज हम लोग चेस्ट करेंगे। तो गाइज, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो नए हैं इस चैनल पर, बराए मेहरबानी इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और वीडियो के एंड तक बने रहें। आ चुके अभी अपना मेन एक्सरसाइज पे, कंपाउंड मूवमेंट बेंच प्रेस पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो ग्रिप होने वाला है ये एकदम न्यूट्रल ग्रिप होने वाला है, ज़्यादा वाइड आपको इसको नहीं लेना है, आपको शोल्डर रोटेटर कफ और रियर डेल को ट्रेन नहीं करना है मेन। और एक जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपका बेंच का कॉन्ट्रैक्शन, 5 टच आपको बेंच से होना चाहिए। फर्स्ट आपका हेड और नेक का सेटअप बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका ग्लूट्स और आपका बैक का बीच में एक आर्च बने होना चाहिए। और एक चीज़ याद रखना है, आपको ज़्यादा बैक को आर्च नहीं करना है। और अपना मेन पावर जनरेट करना है अपना फीट से, दोनों फीट से। तो 5 पॉइंट हो गया, 1, 2 ग्लूट्स, 3 स्कैपुलर, 4 एंड हेड। ये 5 टच आपको मेंटेन रखना है। तो गाइस अभी चलते हैं अपना मेन वर्कआउट पे। आप देख रहे हैं कैसे न्यूट्रल ग्रिप पकड़े हैं, लगाते हैं अपना मेन वर्कआउट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है इस वर्कआउट लगाते वक्त, इसका जो रेंज ऑफ मोशन है ये पूरा होना चाहिए, लेकिन आपको जो एल्बोस है वो बिल्कुल भी लॉक नहीं होना चाहिए। आपका पूरा फोकस आपको चेस्ट पे करना है, ना कि आपका ट्राइसेप पर। नीचे ब्रीद इन, ऊपर ब्रीद आउट। 10 रेप्स लगाएंगे हम लोग इसको। तो गाइस अभी हम लोग नेक्स्ट लगाने वाले हैं इंक्लाइन डंबल प्रेस, फ्लैट बेंच प्रेस और इंक्लाइन डंबल बेंच प्रेस में डिफरेंस जो है सिर्फ आपका रेंज ऑफ मोशन का ही है। पोस्चर आपका ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, आप देख रहे हैं कितना कंट्रोल फॉर्म में लगाया जा रहा है अपना इंक्लाइन डंबल प्रेस। रिपीटेशन सेम ही रहेगा, इंक्लाइन डंबल प्रेस जो है अपना अपर पेक्टोरल मसल को ट्रेन कर रहे हैं। तो गाइस नेक्स्ट वर्कआउट जो हम लोग करने वाले हैं वो है चेस्ट फ्लाई, जो हमारा माइनर पेक्टोरल मसल को हिट करेगा। तो आइए देखते हैं कैसे फॉर्म किया जाता है। ये हमारा नेक जो है पूरा बेंच पे रहेगा, हिप बेंच पे, बैक आर्च, और जो हमारा फीट जो है वो पूरे फ्लोर पे टच रहेगा, एल्बो सॉफ्ट। अब हम परफॉर्म करेंगे स्ट्रेच, ऊपर कॉन्ट्रैक्ट। ये हम लोग 10 से 12 रेप्स करेंगे इसका, स्लो स्लो परफॉर्म करेंगे। ठीक है, देख रहे हैं आप किस तरह से मैं कर रहा हूँ परफॉर्म। Breathe in, breathe out. Easy way पे करेंगे, एकदम ज़्यादा फास्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एल्बो को सिर्फ सॉफ्ट रखना है, शोल्डर से स्ट्रेच करना है और मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो गाइस अभी हम लोग कंपाउंड मूवमेंट से थोड़ा बाहर आ रहे हैं, थोड़ा सा आइसोलेशन लगाएंगे अभी। इसका भी 10 रेप्स लगाएंगे हम लोग। वेट ऑलवेज अपना स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ही लगाइए, उससे ज़्यादा कभी मत लीजिए, आपको फॉर्म को ऑलवेज सही रखना है। लोअर पेक्टोरल मसल को अभी ट्रेन कर रहे हैं। तो गाइस
अभी हम लोग आ चुके हैं अपना फिफ्थ वर्कआउट, जो कि पैरेलल डिप्स या पेक्टोरल डिप्स भी कहते हैं जिसको। बेसिकली ये अपना लोअर चेस्ट मसल को हम ट्रेन कर रहे हैं। बिगिनर्स के लिए इस एक्सरसाइज में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आप लगाइएगा ज़रूर। 8 से 10 या मैक्स 12 आपको इसको लगाना है। तो गाइस, लास्ट जो हमारा चेस्ट वर्कआउट का प्रोग्राम है वो होने वाला है डंबल क्रॉस बेंच पुलओवर। ओके, तो आइए कैसे करना है इसका फॉर्म देखते हैं। सबसे पहले डंबल लिफ्ट करना है, मिड बैक को रखेंगे, हिल्स थोड़ा सा वाइड करके पूरे फ्लोर पे, ध्यान पे रहे लैट ज़्यादा ओपन नहीं करना है, मेन टारगेट हमारा चेस्ट में होना चाहिए, एल्बो सॉफ्ट, पीछे लेकर जाना है, एल्बो बेंड स्लाइटली, नेक अप, ब्रीद इन ब्रीद आउट, थोड़ा सा हिप्स को पुश करना है और नेक को थोड़ा सा पीछे लिफ्ट करना है। दस से बारह रेप्स निकालना है हमें, ब्रीद इन ब्रीद आउट। तो गाइस, ये था हमारा चेस्ट का फुल MMG मतलब मसल मास गेनिंग प्रोग्राम का वर्कआउट स्केड्यूल। तो ये हमारा डे वन था। तो गाइस, मिलते हैं हम डे टू में, वहाँ पे हम लोग करेंगे बैक वर्कआउट। तो इजाज़त दे अभी के लिए, फिलहाल मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियोस के साथ हमारे नए चैनल क्रिएटिव फिटनेस में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।